हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायोड की कैपेसिटेंस के बारे में। हमने ऑलरेडी देख लिया है सेमीकंडक्टर डायोड होता क्या है, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। उसके बाद हमने देखा था डायोड बायसिंग क्या होता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। देन वी सॉ डायोड रेजिस्टेंस। डायोड रेजिस्टेंस में हमने देखा स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम बात करेंगे डायोड कैपेसिटेंस। डायोड कुछ कैपेसिटेंस भी एग्जिबिट करता है या नहीं, और करता है तो कितने टाइप की, वो हम देखेंगे। सो कैपेसिटेंस सबसे पहले होती क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस है क्या। कैपेसिटेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कैपेसिटर बनता कैसे है, दो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, राइट। उनके बीच में डायलैक्ट्रिक मीडियम होता है, इन कंडक्टिंग प्लेट्स का एरिया है ए, दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी। इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें तो फिर ये हमारा कैपेसिटर बन जाता है, राइट। सो ये चीज़ तो हम जानते हैं। नाउ इन दिस कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, राइट। ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस तो समझ आ गया, डायोड की कैपेसिटेंस क्या होता है। डायोड में दो टाइप की कैपेसिटेंस होती है, एक फॉरवर्ड बायस में, एक रिवर्स बायस में। जो फॉरवर्ड बायस में होती है उसे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोलते हैं या स्टोरेज कैपेसिटेंस बोलते हैं, और जो रिवर्स बायस में होती है उसे डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस बोलते हैं या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बोलते हैं, राइट। सो हम दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, दोनों है क्या, दोनों का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के बारे में। डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कब प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द रिवर्स बायस जंक्शन, राइट। जब भी हम रिवर्स बायस अप्लाई करेंगे अपने डायोड को, तब डिप्लीशन लेयर या फिर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस प्रेजेंट रहेगा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सीटी से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को, राइट। जो हमारा पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, राइट। इन द पी टाइप रीजन हमारे पास नेगेटिव आयंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे और एन टाइप रीजन में बहुत सारे पॉजिटिव आयंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, राइट। तो लेट सपोज ये मेरा डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो यही सेम चीज़ तो हो रही थी जब हम अपने कैपेसिटर की प्लेट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज से अप्लाई कर रहे थे, तो एक कैपेसिटर की जो प्लेट होती थी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती थी, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाती थी, और बीच में हमारे पास डायलैक्ट्रिक रहता था। अब ये जो डिप्लीशन लेयर है ये भी डायलैक्ट्रिक रीजन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं होगा, ना तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन होगा ना यहाँ कोई होल होगा। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डायलैक्ट्रिक, तो इसे भी हम कैपेसिटेंस ही बोलेंगे। तो राइट, रिवर्स बायस में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबाइल आयंस की वजह से पीएन जंक्शन में कुछ कैपेसिटेंस डेवलप हो जाती है, जिसे हम डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस बोलते हैं, क्योंकि डिप्लीशन लेयर के अंदर जनरेट हो रही है, इसलिए इसे डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस बोलेंगे। इसे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं या फिर इसे स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। अब ये जो कैपेसिटेंस है ये वेरी करती है अप्लाई वोल्टेज के साथ। अगर मैं अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करूंगी, कैपेसिटेंस चेंज होती जाती है, राइट। अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगी, रिवर्स बायस की अगर वोल्टेज इंक्रीज होएगी, तो हम सब जानते हैं डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या इंक्रीज हो रहा है, ये पैरामीटर डी इंक्रीज हो रहा है। सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जैसे ही डी इंक्रीज होगा सी डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही हम वोल्टेज चेंज करेंगे डिप्लीशन लेयर की विड्थ चेंज होगी, और ड्यू टू विच द कैपेसिटेंस इज गोइंग टू चेंज। सो दिस कैपेसिटेंस विल वेरी विद अप्लाइड वोल्टेज। जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज चेंज करेंगे हमारी जो कैपेसिटेंस है वो चेंज होती जाएगी। यहाँ पर इमोबाइल चार्जेस विल ऑल्सो वेरी विद द वोल्टेज, कि जो चार्ज लेवल्स हैं वो भी वोल्टेज के साथ चेंज होते जाएंगे, और इसीलिए ही इसे हम जंक्शन कैपेसिटेंस बोलते हैं। जंक्शन पे प्रेजेंट है इसीलिए ही इसे जंक्शन कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरा डायोड है, ये मेरी प्लेट वन है, ये मेरी प्लेट टू है, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड हैं, पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड हैं और नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड हैं, राइट। दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है डी,
राइट. सो यहाँ पर हमारे पास पी टाइप मटेरियल है, बहुत सारे होल्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट आप देख रहे हैं डिप्लीशन रीजन में मेरे पास कोई होल नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो जो डिस्टेंस लिया दो प्लेट्स के बीच में वो हमने डिप्लीशन लेयर का विड्थ लिया, राइट. और सी को हम इसी के अक्रॉस मेजर करेंगे, राइट. तो सी को कैसे प्रोवाइड करेंगे, सी इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. ये वाला जो पूरा एरिया है वाइट वाला, ये हमें डायलैक्ट्रिक दिखेगा जो कि डिप्लीशन लेयर है. एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ द डायलैक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट. और जैसे ही रिवर्स बायस को हम इंक्रीज करेंगे तो डी इंक्रीज हो जाएगा, राइट. जो हमारा डिप्लीशन लेयर है उसका विड्थ इंक्रीज हो जाएगा और सी डिक्रीज हो जाएगा. ये तो हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं. तो हमारे वोल्टेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है जो रिवर्स बायस के टाइम पर जो कैपेसिटेंस जनरेट होगी, जिसे हम जंक्शन कैपेसिटेंस बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और इसे हम बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, देखेंगे कैसे. सो जो कैपेसिटेंस है, अब क्या ये सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड करती है? नहीं, ये पीएन जंक्शन पे भी डिपेंड करती है. किस टाइप का पीएन जंक्शन है हमारे पास, कैसा सेमीकंडक्टर का मटेरियल है और व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज. तो ये तीन पैरामीटर पे डिपेंड करती है, ना कि जस्ट रिवर्स बायस वोल्टेज पर. पहला पीएन जंक्शन पर, सेकंड सेमीकंडक्टर मटेरियल पर, और थर्ड अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज. अगर तीनों चेंज करते जाएंगे तो भी हमारी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी. तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं, सी टी इज गिवन एज सी नॉट अपॉन 1 + VR अपॉन VT रेज टू पावर ईटा. सी नॉट क्या है? कैपेसिटेंस एट जीरो बायस कंडीशन. जीरो बायस कंडीशन क्या होती थी? जब पी और एन टर्मिनल को शॉर्ट कर देते थे, कोई भी बायसिंग वोल्टेज नहीं देते थे, उस टाइम पर जो कैपेसिटेंस मेजर हुई वो सी नॉट अपॉन 1 इज अ कॉन्स्टेंट. वी आर क्या है? अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, जो रिवर्स वोल्टेज हमने दी. वी टी क्या है? वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर. तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वी टी चेंज हो जाएगा, और वी टी चेंज करेंगे तो सी टी भी चेंज हो जाएगा. तो ये जो कैपेसिटेंस है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी. जैसे टेम्परेचर चेंज होगा ये कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी. और ईटा क्या है? ईटा एक कॉन्स्टेंट है जो कि 1/2 के इक्वल होगा स्टेप और एब्रप्ट अलॉय जंक्शन के लिए, राइट. तो अगर कंसंट्रेशन जो है, जो हमारे बायसिंग कंसंट्रेशन है, डोपिंग कंसंट्रेशन है, वो एब्रप्टली चेंज हो रही है तो 1/2 ले लेंगे. अगर वो लीनियरली ग्रेडेड है, धीरे धीरे जो हमारी डोपिंग कंसंट्रेशन है वो एन से पी की तरफ जा रही है, राइट, तो हम इसको 1/3 ले लेंगे. लीनियरली ग्रेडेड और डिफ्यूज जंक्शन के लिए हम 1/3 लेंगे, स्टेप ग्रेडेड और एब्रप्ट अलॉय जंक्शन के लिए हम ईटा को 1/2 लेंगे. नाउ ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसे हम यूज करते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैरेक्टर डायोड, और इट इज यूज इन द वेरी कैप ऑल्सो. वेरी कैप क्या है? वेरी कैप एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है जैसे ही हम वोल्टेज चेंज करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी यूज करते हैं, जो कि है वोल्टेज डिपेंडेंट कैपेसिटेंस. इट इज यूज्ड इन FM रेडियोज, राइट. नैनो फ्रीक्वेंसी रेंज में जब यूज करेंगे तो हम इसको वेरी कैप्स को यूज कर सकते हैं, और ये कैपेसिटेंस के बेस पर हम रिसीव कर सकते हैं सिग्नल्स, राइट. सो वोल्टेज डिपेंडेंट कैपेसिटर्स में वेरी कैप में यूज होता है ये प्रॉपर्टी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटेंस, जो कि है डिफ्यूजन और द स्टोरेज कैपेसिटेंस. डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस क्या होता है? ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन में होता है. एज ऑपोजिट टू द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन और द स्टोरेज कैपेसिटेंस इज प्रेजेंट इन द फॉरवर्ड बायस रीजन. जब भी फॉरवर्ड बायसिंग कर देंगे तब डिफ्यूजन कैपेसिटेंस प्रेजेंट होगा. क्यों होता है प्रेजेंट? ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी की वजह से. जैसे माइनॉरिटी कैरियर जो चार्जेस हैं, जो उनकी अरेंजमेंट है, उसकी वजह से ये कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है. और ये जो कैपेसिटेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट के, और हम सब जानते हैं फॉरवर्ड बायस करंट तो बहुत ज़्यादा होता है. तो फॉरवर्ड बायस करंट जब ज़्यादा होगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो ये कैपेसिटेंस भी बहुत ज़्यादा होगी. तो सी डी इज मच ग्रेटर देन सी टी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के जो कि बहुत ज़्यादा है. सी डी डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस से, राइट. तो सी डी को क्या बोलेंगे? टाओ इंटू आई अपॉन ईटा वीटी. तो सी डी डिपेंड करता है टाओ पे, करंट पर, और ईटा जो कांस्टेंट है, और वीटी पे भी. तो ये टेम्परेचर से भी चेंज हो जाएगा. वीटी इज द वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर. जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे वीटी चेंज हो जाएगा और सी डी भी चेंज हो जाएगा. आई पे तो डिपेंडेंट है ही, फॉरवर्ड करंट पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है. टाओ क्या है? मीन लाइफ टाइम ऑफ द
कैरियर्स, राइट। और ईटा एक कांस्टेंट है जो कि 1 है जर्मेनियम के लिए और 2 है सिलिकन के लिए, राइट। सो सी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरवर्ड करंट, इसीलिए ही इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये ट्रांजिशन कैपेसिटेंस से बहुत ज़्यादा है। सो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, अगर हमारा जो फॉरवर्ड बायस है उसको सडनली अगर हम रिवर्स बायस कर दें तो फॉरवर्ड करंट एकदम से जीरो हो जाएगा। तो जब जंक्शन को सडनली हमने रिवर्स बायस करा, फॉरवर्ड करंट रिड्यूस क्विकली टू जीरो, फॉरवर्ड करंट जीरो हो गया। बट ये जो चार्जेस हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वो डिप्लीशन रीजन के अंदर ही स्टोर हो जाएंगे। और हमें पता है कैपेसिटर चार्ज स्टोरेज प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस स्टोरेज प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करता है, इसीलिए इसे स्टोरेज कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, राइट। तो जैसे ही हम रिवर्स बायस लगाएंगे, मेजॉरिटी चार्जेस स्टोर हो जाएंगे डिप्लीशन रीजन के बीच में, और जैसे ही वो स्टोर होंगे, इसको डिस्चार्ज करने के लिए हमें फाइनाइट टाइम चाहिए होगा, जो कि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी भी है। रिमूवल टेक फाइनाइट टाइम, राइट। तो उसे हम डिस्चार्जिंग बोलते हैं। जो स्टोर चार्ज है वो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एग्जिबिट करेंगे, और अगर हम रिवर्स बायस कंडीशन में भी बात करें, रिवर्स बायस कंडीशन में भी आप बोलेंगे कि इसमें भी तो करंट होता है, रिवर्स करंट होता है, तो वहाँ पर भी क्या ये डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होगा? नहीं, उस केस में बहुत नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि वी ऑल नो कि रिवर्स बायस का करंट कितना कम होता है। जब रिवर्स बायस का करंट बहुत कम होगा तो उससे जनरेटेड कैपेसिटेंस भी बहुत कम होगी। सो आई होप आपको सारा समझ आया होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटेंस अच्छे से समझ आई होगी। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कॉमेंट सेक्शन में जाकर डाल दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ यू लाइक इट, प्लीज पुश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।